कमलनाथ से देखी तस्वीरें सामने आई आईएनएस 24/7 पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर और छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर मतदान, तो कवर्धा की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, तो सतना में भी तमोह लोकसभा सीट पर मतदान वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। तो देखिए तस्वीरें सामने आई हैं जब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मतदान अपना कर रहे हैं, तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि उन्होंने अपील भी की है लोगों से, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई जब अपना वोट कास्ट कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। तो छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जहां पर लगातार मतदान की जो प्रक्रिया है वो लोग अपना रहे हैं। तो कवर्धा से देखिए सीधी तस्वीरें आई जब अंदर वो एंटर हुए और उसके बाद उन्होंने अपना वोट डालना शुरू कर दिया है। तो राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, ये तमाम वो 3 सीटें हैं, हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। कवर्धा की भी ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं जब अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं और लोगों से अपील की जा रही है। आईएनएस 24/7 भी आपसे बार बार अपील करता है, अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और आपके क्षेत्रों में अगर मतदान हो रहा है तो जरूर जाइए और मतदान जरूर कीजिए। तो महासमुंद जहां रूप कुमारी चौधरी चुनावी मैदान में है बीजेपी से, और पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, ये भी हॉट हाई प्रोफाइल सीट है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, पूरे देश में 7 चरणों में मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान संपन्न कराया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें, महासमुंद लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल, और इन सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधे तौर पर उसका नहीं, अब हर क्षेत्र के मुझे लगता है लोग अब हर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा देखिए उन्होंने भी सेल्फी पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं और वो निशान अपना दिखा दिया। तो आप भी कीजिए मतदान कीजिए। देखिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जिन्होंने अपना वो निशान दिखा दिया है, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। कवर्धा पहुंचे हुए थे उप मुख्यमंत्री और अपील भी उन्होंने यही की है लोगों से ज्यादा मतदान कीजिए। तो राजनांदगांव जहां बीजेपी एक बार फिर से रिपीट कर रही है वर्तमान सांसद संतोष पांडे को, तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव के शहरों में नक्सल प्रभावित कई ऐसे शहर है जहां पर जवानों की तैनाती भी की गई है।